जो इंटीरियर किया है तो वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर ही था। जो भी मेरा गेस्ट आया उसने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। That we were passing by from your flat and your outside your name plates and the outer wall looks amazing. From where have you got that your interior done? So we had passed on Vodufa's number. So this is how people are complimenting us for the work. Hi, this is Utkarsh. I'm a software engineer. I am working in a Gurgaon based company and here's my family. She's my wife Mansi, my mother and my father. My name is Mansi. I'm working in an IT industry as an IT consultant. My name is Sushma और ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लड़का और लड़के के मिसेज है मतलब, और हम लोग बरेली में रहते थे लेकिन हमारे बेटे की नौकरी जो है वो गुड़गांव में है, इसलिए हम यहाँ पर मूव कर गए हैं। और बहुत अच्छा मतलब इन लोगों ने फ्लैट बहुत अच्छा तैयार करके दिया है जो कि हम लोगों को काफ़ी पसंद है। और ये मेरे हस्बैंड है। हेलो, मैं सर रवि जौहरी, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर, बरेली को बिलोंग करते हैं। मेरा पेरेंटल हाउस बरेली में है, बेटे का जॉब यहाँ होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर फ्लैट लिया। जब हमने शुरू में देखा था तो हमको बहुत ही ऑर्डिनरी सा फ्लैट लग रहा था, लेकिन इंटीरियर करने के बाद इतना अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा लगा। अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग अक्सर ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, बरेली कम जाते हैं, हमारा पेरेंटल हाउस है, जाना तो पड़ता ही है। तो वी वेंट टू वुडुफा ऑफिस एंड वी मेट शशांक एंड रोहित, सो दे एक्सप्लेन्ड अस द एंटायर प्रोसेस, हाउ लाइक फ्रॉम द किक स्टार्ट एंड हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द हैंड ओवर। वी मच प्रिटी मच इम्प्रेस्ड बाय द फर्स्ट मीटिंग, बट सर्टेनली वुडुफा वॉज द फर्स्ट कंपनी, सो वी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द मार्केट ऑल्सो। सो आफ्टर दैट मीटिंग द सेम डे वी वेंट टू मीट फ्यू मोर इंटीरियर डिजाइनर्स and but we met, but in the back of our mind we were pretty much sure that we want to go ahead with Vodufa only. So the same evening we went back to Vodufa office again. We met Shashank, we had certain doubts, he clarified those doubts, and by that meeting we had decided that we are going ahead with Vodufa only. So the sense of assurance, the confidence, what Shashank sounded, this is what you can see here. So the next day only our project is started and it is how it began. Ab yahan par mujhko itni achhi interior laga, har cheez itni achhi well settled lagi ki mujhko proud hai ki inhone acha selection raha inka. Jo interior kiya hai to wo to meri expectation se bahar hi tha. Jo bhi mera guest aaya usne isko bahut appreciate kiya aur pucha kahan se karwaya, to inhone kafi praise kiya. और इन्होंने फिनिशिंग बहुत अच्छी करी, जो भी चीज़ है इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि वेल प्रोफेशनल, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और ये जो इसका डाइनिंग रूम है हमारा, इसमें हम लोग इकट्ठे जब डाइनिंग में बैठते हैं और हम लोग मीटिंग करते हैं, गपशप करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही फैमिलियर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि हमको बहुत ही अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छी, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये यहाँ ख़राब लग रहा है। ये ऐसा नहीं कि ऐसा होता, ये कहीं भी सोचने का मौका नहीं मिला हम लोगों को कि ऐसा नहीं ऐसा होता। ये बहुत ही अच्छा ओकेज़न लगा हमको, डिसीजन बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पर रहने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि जाने का मन नहीं करता यहाँ से, हालाँकि हमारा होम टाउन तो बरेली है लेकिन हमको वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन हमको लगता है यहीं रहो, यहाँ पर इन्जॉय करो। जो इन्होंने इतना अच्छा फ्लैट लिया, शुरू में हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बन पाएगा, हमने कहा ऑर्डिनरी सा लग रहा था बिल्कुल, लेकिन इतने कम ये लग रहा था कि बस इतने कमरे हैं हमारे पास, बस इतनी जगह ही किचन है वो है, लेकिन ये बन के इतना निखर के सामने आया कि बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशियस इतना हो गया, जो वार्डरोब से बनाई है उसमें जगह बहुत कम की थी लेकिन लगता रूम काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं हमारे। उस समय हमको लग रहा है इतने छोटे, उसमें हम कैसे रहेंगे, कैसे सामान सेट करेंगे, लेकिन अब सब चीज़ हमारी बिल्कुल फिट है, सारा सामान घर में है, उसके बाद भी हमारे पास स्पेस है, हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग को भी बहुत अच्छा फील करते हैं। हर चीज़ इतनी वेल सेटल्ड है, वेल मैनर्ड है, और इन्होंने हर चीज़ इतनी अच्छी लगाई कि हम उसको
अपने आप अपने घर की क्या तारीफ करूं, और लोग तारीफ करें तब ज़्यादा अच्छा लगता है। डिज़ाइन फेज वॉज गुड, इट वॉज वेरी स्मूथ। समीर वॉज अवर डिज़ाइनर, तो बहुत कंफर्टेबल फील कराया। वी यूज टू हैव सम मीटिंग्स लाइक सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, थीम सिलेक्शन, तो बहुत मीन्स बहुत सपोर्ट था। और थोड़ा हमने भी कहा कि हमने बहुत ट्रस्ट किया अपने डिज़ाइनर पे, मीन्स कि हमें पता था कि जो वो सजेशंस दे रहे हैं मीन्स वो एक्सपर्ट हैं, तो जो सजेशन उन्होंने दिए हैं वो बहुत औसम थे। और घर का एवरी कॉर्नर पे जो भी कलर चूज़ किया है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हमारे जो भी फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा इंटीरियर है। So the same thing, like choice of colors, what we wanted, we told Sameer exactly what we wanted, and he also suggested wherever we were putting something. So Sameer ne bahut support kiya, like from selection, every decor item, or jahan pe bhi hame from colors especially, you can see the doors where we can enhance the look and feel of the house. So Sameer helped us very well, particularly for each section, the designing phase was very in a detailed manner he planned out basically. So from the tiles, whether it is tile selection or laminates or each and everything, he took time. It was not in hurry bari. He took time. We selected and then we finalized, and the outcome is super. मेरा experience बहुत अच्छा है। मैंने ये feel किया करीब एक साल करीब हुआ है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आती है तो उसके लिए फौरन ये लोग अटेंड करते हैं। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो हम लोग कोई भी इक्विपमेंट कुछ भी खरीदते थे, तभी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। शुरू में तो सारे लोग बहुत सारे आश्वासन देते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ये। चीज़ मुझको इनकी बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि ये आगे भी मेंटेन करें। मुझको भी अगर कोई कहता है कि कहाँ से करवाया जाए, कौन सा इंटीरियर आप तो करवा चुकी हैं, तो मैं कहूँगी बुडोफा ही से करवाया जाए। ये बहुत ही अच्छे है लोग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा हम लोगों का काफ़ी सपोर्ट किया, कोई भी परेशानी नहीं होने दी। ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ऑसम, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी सर्विसेज, लाइक टीम बहुत सपोर्टिव है, तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, और हमें छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी होता है कॉल करें तुरंत वहाँ से हमें रिस्पॉन्ड आता है, और हमारी जो भी क्वेरी होती है या फिर कोई इशू था वो रिजॉल्व किया जाता है। सेम, सो विद वुडोफा द एंटायर जर्नी हैज बीन स्वीट एंड सार, वी कैन से। सो वी वर इन बरेली, सो लाइक वी वर नॉट मच, वी वर नॉट एबल टू कम फ्रीक्वेंटली हियर। सो राहुल जी, समीर जी, शशांक, अर्पित, एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, सबकी प्रॉपर हेल्प मिली हम लोगों को। इवन वी वर नॉट इन बरेली, वी गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम समबडी इन आर फ्रॉम आर टावर दैट वी वर पासिंग बाय फ्रॉम योर फ्लैट एंड योर आउटसाइड योर नेम प्लेट्स एंड द आउटर वॉल लुक्स अमेजिंग, फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट दैट योर इंटीरियर डन। सो वी हैड पास्ड ऑन वुडोफा'स नंबर, सो दिस इज हाउ पीपल आर यू नो कॉम्प्लीमेंटिंग अस फॉर द वर्क। And so thank you Vidufa, and we would surely recommend it to everybody, and we are doing so. Okay, favorite place jo hai wo dining area hai, yahan pe hum log sham ko milke tv dekhte hain, khana yahi pe dining table bhi hai to yahi pe khana bhi khate hain, aur ab kitchen bhi bilkul mila hua hai to wo humko garam garam roti deti jati hai। Ye bahut acha area lagta hai, hamara koi bhi guest aata hai to yahi baithta hai और हम लोग उसको अटेंड करते हैं, साथ में वो हमारा इंटीरियर और जो भी कुछ है हमारा देखता है और हमको अप्रिशिएट करता है, हमको बहुत खुशी भी मिलती है, हमको भी प्राउड फील होता है कि हमारे बेटे ने इतना अच्छा इंटीरियर वाला चुना, जिससे कि हमको हर एक के सामने अपना गर्व से कहते हैं कि हमने इतना अच्छा इंटीरियर कराया, और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, जब कोई दूसरा तारीफ़ करता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने आप तारीफ़ करने में इतना अच्छा नहीं लगता है। फेवरेट प्लेस मेरा तो डाइनिंग एरिया है, क्योंकि मैं फूडी हूँ और डाइनिंग टेबल से बेटर प्लेस क्या हो सकती है। व्हाट अबाउट यू मानसी? फॉर मी ऑल्सो डाइनिंग प्लेस इज माई फेवरेट प्लेस,
So we work from home, so this is the only time where we all sit together and have fun, discuss, exchange our topics. And थोड़ा यहाँ बैठ के कैफे वाली फीलिंग भी आती है. So yes. Finally मेरा कॉपी किया ना. अरे. पेरेंट्स रूम वार्डरोब. ठीक है. उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि हमें वहाँ पे टीवी चाहिए था और वार्डरोब भी. स्पेस क्रंच था वहाँ पे. स्पेस टीवी की हो रही तो वार्डरोब की नहीं हो रही थी. वार्डरोब की हो रही थी बट टीवी की नहीं थी. तो हमने अपने डिजाइनर समीर को बोला कि समीर हमें तो दोनों चाहिए. समीर ने कहा सर आपको दोनों मिलेंगे. और फिर उन्होंने जो डिजाइन दिया उसमें दोनों चीजें आई हैं और बहुत अच्छा है. क्लमजी भी नहीं लग रहा और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है इसका. राइट. व्हाट अबाउट यू? एंड फॉर मी यूटिलिटी एरिया मैं बोलूंगी बिकॉज इनिशियली हमारा जो सिंक एरिया था दैट वाज इनसाइड दिस बट दैट वाज द एक्सटेंडेड बालकनी. सो बालकनी को फिर हमने इनसाइड लिया. यूटिलिटी एरिया जो हमारा वेट एरिया था उसको बाहर किया. नाउ द किचन इज लुकिंग मोर स्पेशियस एंड कलर्स आर पॉपिंग आउट वेरी वेल नाउ. सो दिस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ड्रेसिंग क्योंकि टिल लास्ट टाइम वी वर नॉट श्योर कि वो कैसे होगा. समीर ने बोला सर आप ट्रस्ट कीजिए लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा. और एक्चुअली में जब हमने देखा ऑसम था. करेक्ट. ड्रेसिंग में भी सॉफ्ट कॉपीज समीर ने शो करे थी हम लोग को बट लास्ट मोमेंट तक वी वर नॉट एबल टू विजुअलाइज कि वो कैसा टर्न आउट होगा विद द लैम्प एंड पीसेस में कुछ मिरर आर्टिकल्स लगाए हैं. सो वी वर नॉट एबल टू विजुअलाइज वो पिक्चर में देख रहे थे बट द एंड जो आउटकम है इट इज़ सुपर, बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ. सो यस दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर हाउस. ओवरऑल इट इज़ गुड बट आई थिंक सुपरविजन प्रोजेक्ट सुपरविजन वैसे अभी तक वुडोफो का एक्सपीरियंस फ्लॉलेस ही रहा है बट स्लाइट हमारे को सुपरविजन में लगा बिकॉज वी वर नॉट हियर इन नोएडा. हम बरेली में से तो वी जब भी हम आ रहे थे तो हमें कहीं कहीं पे लग रहा था थोड़ा सुपरविजन लैकिंग था. कुछ कुछ प्लेसेस पे फिनिशिंग गैप्स थे वो बाद में बिकॉज वी व्हेन वी स्टार्टेड लिविंग उसके बाद हमारे को जैसे जैसे चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई है. सो वुडोफो वॉज वन इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑल्सो. वुडोफो वॉज जस्ट अ कॉल अवे और अ टेक्स्ट अवे. वी जस्ट रिपोर्टेड कि यहाँ पे फिनिशिंग का प्रॉब्लम है या यहाँ पे ये चीज़ लैकिंग है. सो इट वॉज एड्रेस्ड ऑन टाइमली मैनर बट यस ऐसे आता है. मेरा बरेली में तो जो मेरा मंदिर है एक रूम पूरा मंदिर बना रखा है. तो हम सोच रहे थे कि हमारा तो इतना बड़ा घर है तो इतना बड़ा मंदिर है इनका वहाँ पे मंदिर की जगह नहीं मिल पाएगी मंदिर की. लेकिन यहाँ पे इनने कमरे के अंदर बालकनी को लेकर वो इतना अच्छा मतलब मंदिर बनाया कि देख के तबीयत खुश हो गई. इस एज में पूजा पाठ तो करना ही चाहिए. रिलीजियस है हमारी वाइफ ज़्यादा तो उनको मंदिर देख के बहुत ही अच्छा लगता है. और मैं भी थोड़ी बहुत तो कभी बैठ ही लेता हूँ थोड़ी बहुत तो पूजा. और इस एरिया में बैठ और हमको अपने बेडरूम भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिज़ाइन होने से पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये रूम जो है हम लेंगे. उस रूम को देख के हमको बहुत अच्छा लगता है. उसका जब पर्दा खींचते हैं सुबह को तो ऐसा लगता है जैसे होटल वाला व्यू आता है. इतनी खुशी होती है उसको देख कर. धूप भी आती है वो भी आती है इतना अच्छा लगता है. और हमारी वाइफ को ये एरिया इसलिए भी ज़्यादा पसंद है यहाँ बैठ के. वो हमारी मेड जो आती है उसको भी मैनेज करती हैं है ना. और उसके गरम गरम रोटियाँ भी उससे कहती है बनाओ भाई. और सब्जी में भी गाइड करती हैं कि नहीं ये सब्जी बनाओ. चाय को अगर देर हो गई तो लक्ष्मी जल्दी से चाय बनाओ. और टीवी भी देखती रहती हैं और खाने को भी मैनेज करती हैं. तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ कर. ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है तो ये देख के बहुत खुशी होती है. यस ऑफ कोर्स. यस ऑफ कोर्स. We have already started recommending Woodofa to everyone. मैं ये चाहूँगी कि बता हर कोई जो है जो भी मेरे मतलब जिन जिन से मेरा रिलेशन है या रिश्तेदार है या दोस्त है कि Woodofa को ही वो पसंद करें. जो लोग मुझे कहेंगे तुम कहूँगी इजी से करवाइए आप काम. जो भी कॉन्टेक्ट हैं जो उन लोगों मेरे टच में आता है या जो भी मुझसे गाइडेंस लेगा मैं तो इसी के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं से करवाइए. थैंक्स.